हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल। दोस्तों, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अगर आप भी साथ में पापड़ खाते हैं तो अब आप इसके नुकसान भी जान लीजिए। ये चटपटा और तीखा पापड़ आपकी जीभ को तो तसल्ली दे सकता है, लेकिन पेट और सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। भले ही आप तर्क दें कि पापड़ को दूसरी चीज़ों की तरह तलने के बजाय आप इसको भूनकर या रोस्ट करके खाते हैं, लेकिन तब भी आपको इस स्नैक्स के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर जान लेने चाहिए। दोस्तों, ये है वो ऐसे पांच कारण जिनके चलते आपको पापड़ खाने पर कंट्रोल करना चाहिए। पहला कारण, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दो पापड़ एक रोटी के बराबर होता है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं और कम खाने के चक्कर में पापड़ से पेट भर रहे हैं, तो समझ जाएं कि वजन आपका बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और आप ये सोचते रहेंगे कि खाना हमने खाया नहीं और वजन भी कम नहीं हुआ। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पापड़ कैसे कैसे काम और कितने बड़े काम अंजाम दे सकता है। दूसरा कारण, पापड़ को अक्सर हाथों से बनाया जाता है और फिर इन्हें सुखाने के लिए धूप में खुले स्थान पर रखा जाता है, जहां इसमें धूल मिट्टी पड़ती है, बैक्टीरिया इसके ऊपर जमा होते हैं, कीटाणु इसके ऊपर जमा होते हैं। इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तीसरा कारण, तले हुए पापड़ में तेल और फैट दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार पता लगाया जा चुका है कि तले और आग पर भुने हुए पापड़ में एक्रिलामाइड, जो कि एक टॉक्सिन है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से बेचैनी, घबराहट और मूड स्विंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चौथा कारण, पापड़ में अक्सर आर्टिफिशियल फ्लेवर और मसाले मिलाए जाते हैं। इनको खाने से पेट खराब होने या एपच की समस्या हो सकती है। पांचवा कारण, पापड़ बनाने में हो सकता है कि दाल और चावल अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल ना किए गए हों। ऐसे में ये जीभ के स्वाद की कीमत आपकी हेल्थ को चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, ये थे ऐसे पांच कारण जिन्हें जानकर आप हमेशा ही पापड़ खाने पर अपने आप को कंट्रोल करें और अपने आप को सेहतमंद बनाए रखने के लिए इन पांच कारणों को अपने ध्यान में जरूर रखें पापड़ खाते समय। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए टिप्स यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।